उन्वान है सदियों को जानने वाला शायर। गुलाम मोहम्मद कासिर मेरी हैरानियों के दिनों के दोस्त हैं। जब सुबहें शादाब, दोपहरें उदासी की शॉल में लिपटी हुई और शामें बेचैन हुआ करती थीं। मेरे अब्बा चूंकि बज़ाहिर सख्त गिर मगर बतौर शायर मोहब्बत करने वाले, अम्मा अफसाना निगार और बेहद डंडा डोली वाली हाकमाना मिजाज रखने वाली खातून थीं। सो मुझे ऐसे मुस्तरिब शख्स पर दिनों का, मौसमों का असर मिजाजों से कहीं गुना ज़्यादा होता था। मेरी ज़िंदगी अब फूल, तालीम व तरबियत, बच्चों की दुनिया वगैरह से आगे बढ़ गई थी और आठवीं जमात का तालिब इल्म होने का फ़ायदा उठाकर मैं अब्बा की लाइब्रेरी में अक्सर दोपहर को ऐसे गायब हो जाता था जैसे मोहल्ले की आंटियां बच्चों को बर्दा फरोशों या दोपहरों के भूत से बचाने के लिए ज़बरदस्ती सुला देती थीं। ऐसे ही एक दिन की याद है कि अब्बा की एक डायरी हाथ लगी जिसमें शेर तो हमदिया दर्ज था, कोई तुझको सदा देता है और तू आग को गुलजार बना देता है। ये शेर कासिर साहब से पहला तारुफ तो था मगर उस सुबह अम्मा अब्बा के दरमियान शदीद बमबारी हुई थी और मेरी पसंदीदा क्रॉकरी भी उस जंग की नज़र हुई थी, लिहाजा मैंने अपने नन्हे से दिमाग को बरुए कार लाते हुए इस शेर की वसासत से रब से दुआ की कि ये घर की आग मेरे मालिक गुलो गुलजार बना दे। खैर, ये शेर मेरे लिए ज़िंदगी की हर मुश्किल वक्त में अल्लाह तक रसाई के लिए एक सीढ़ी का काम करता रहा है और करता रहेगा। दिन रात तेज़ी से अपनी गर्दिशें मुकम्मल कर रहे थे। साल दवम इंटर का तालिब इल्म होने तक मैं उर्दू शेर व अदब का काफ़ी हिस्सा पढ़ने के साथ साथ दोहरा भी चुका था। इब्तदाई मशक सुखन का आगाज़ था कि अखबार जहां में कासिर साहब के यौम वफात के हवाले से एक तहरीर देखी जिसमें आपके मशहूर और मरूफ अशार के अलावा इंतखाब भी मौजूद था। इस इंतखाब का एक शेर मुझे नहीं मालूम था कि पाकिस्तान की सियासी अदालती जंग को मुझ पर पहले से ही मुनकशिफ कर देगा और आज मेरा अपनी उस सोच पर ईमान पुख्ता हो चला है कि शायर पेशबीन होता है, लोग खुद भी जुल्म से मानूस हुए जाते हैं, तू अभी अदल के मंशूर में तरमीम न कर। आज 7 फरवरी सन 2023 की ढलती शाम में भी ये शेर पूरे तमतराक के साथ मेरे प्यारे पाकिस्तान की मुल्क हालात की तर्जुमानी और हमारा मुस्तकबिल दिखा रहा है। अमूमन कासिर साहब के मशहूर शेरों की बजाय ये शेर मेरा उनसे कुल वक्ती तारुफ बना था। शायद उसका सबब घर से मिलने वाली अदबी, समाजी, सियासी, मजहबी और तारीख की तालीम थी और इस सफ़र में मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि फैज़ साहब और कासिर साहब मेरे असातज़ा में से हैं। मुशर्रफ वकला तहरीक के दौरान रावलपिंडी सदर के कुतुब खाने से बड़ी तलाश के बाद मुझे तसलसल का एक नुस्खा मिला जिसको पढ़ने के लिए मैं उतना ही बेचैन था जितना कि कोई नौखेज़ दिल अपनी महबूबा से पहली मुलाकात के इम्कान के दौरान होता है। दोस्तों, कोई भी तख्लीककार अगर अपनी ज़मीन से कट कर सिर्फ अंदरून का अहाता करता है तो कुदरत भी उसे हुनर या रिस्क के सुखन में इम्कानात भरा इजाफा नहीं देती। ग़ुलाम मोहम्मद कासिर के यहाँ मामला अंदरून और बैरून से यकसां है। उनका और मेरा शेरी तजुर्बा कुछ यूं इकट्ठा होकर दरून ज़ात पर खुलता है। इन्वर्टेड कामाज, शायर सबसे पहले खुद से मुकालमा करता है, उसके बाद समाज की जहन साजी में अपना हिस्सा डालता है और फिर कायनात के साथ महवे कलाम होकर बड़े फन पारे तख्लीक करता है। इसी तनाजुर में अगर देखा जाए तो हम इन अशार या इस गज़ल से कैसे पहलू तही कर सकते हैं। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। या फिर पाकिस्तान के अक़वाम आलम खासकर इस्तेमारी ममालिक से ताल्लुक को इस शेर से बढ़कर कैसे समझा जाए। दिल में मकतूल की तस्वीर लिए फिरता हूँ और कातिल से अकीदत का भी इजहार करूं। इस शेर पर बात करने के लिए मुझे कई दफ्तर दरकार हैं क्योंकि मेरी हैरत में इजाफा इन अशार के साथ साथ कासिर के नज़रिया शेर व ज़िंदगी का इदराक भी करता है। ये तमहीद मुझे एक शेर अभी तक रहता है पे बात करने के लिए महमेज़ लगा रही है। इस कुल्लियात की तिलावत ज़फ़र इकबाल की इस बात की तायद करे या ना करे कि इन्वर्टेड कॉमास में है ये बात कि ज़फ़र इकबाल ग़ुलाम मोहम्मद की कासिर साहब की शायरी के बारे में कुछ यूँ कहते हैं कि ग़ुलाम मोहम्मद कासिर की गज़ल वहाँ से शुरू होती है जहाँ से मेरी गज़ल ख़त्म होती है।
ये उन्होंने बहुत से लोगों के बारे में कहा वैसे। ये यकीन दिलाती है कि मीर गालिब फैज़ जैसे गैर मामूली और ज़माना साज शुरा की रवायत का अगला सिरा हमें 70 की दहाई में ग़ुलाम मोहम्मद कासिर की सरजमीन शेर में मिलता है। शेर देखिएगा कि अपने अशार को रुसवा सरे बाजार करूँ, कैसे मुमकिन है कि मैं मिदहते दरबार करूँ। जहाँ एक जानिब कासिर साहब को रिवायत का गहरा शऊर था, वहीं मिसरे को नसर के करीब तर यानी मिसरा बाफी के आला तरीन जुज़ से भी वाकिफ थे, और ये वाकफियत उन्हें हमासर शुरा से बिल्कुल अलग और मुश्किल रस्ते का मुसाफिर बनाती है। ग़ुलाम मोहम्मद कासिर की सबसे बड़ी खूबी मेरे नज़दीक ये है कि वो मुकम्मल शायर हैं। थे का सीगा इसलिए जायज़ नहीं कि उनके हाँ आने वाली तारीख का शऊर और कर्ब दोनों दिखाई देते हैं, वहीं मोहब्बत इश्क हुस्न की बादबानी कश्ती के ज़िंदगी के समंदर में हलकूरे कासिर को मज़ाहिर फितरत से भी रोशनास कराते हैं, और उनकी गहरी उदास आँखों की चमक मुझ जैसे रायगां शख्स को भी अपने हिसार में ले लेती है। जैसा कि सूरज की गठड़ी में कुछ खाबीदा सी, शेर देखिएगा, सूरज की गठड़ी में कुछ खाबीदा सी लाली है, उस गांव ने छाँव से तंग आकर कल धूप की पुड़िया खा ली है। ख्वाब मोहब्बत सफ़र तस्वीर शौक रंग जुगनू अना अनदेखी दुनियाएं, जहां ये और इन जैसे कई इस्तेआरे नए मजामीन के साथ हमें कासिर के हाँ दिखाई देते हैं, वहीं धूप की पुड़िया तितली चमक गई जैसी अनगिनत नादिर तराकीब भी हमें कारी के दिलो नज़र को खुश रंग करती दिखाई देती हैं। ये कैसे मुमकिन है कि कासिर साहब अपने लोगों की बात न करें, यह कैसे मुमकिन है कि उनका धीमा लहजा नश्तर बनकर सियासत और ज़िंदगी के अबवाब को झंझूर न डाले, ये कैसे मुमकिन है कि ख्वाब देखता शायर आइंदा पर निगाह न रखे। शेर देखिएगा कि आया है एक रहनुमा के इस्तकबाल को एक बच्चा, पेट है खाली आँख में हसरत हाथों में गुलदस्ता है। वतन अजीज़ के कैनवस पर आज भी ये शेर पेंट है। शायरी एक रूज़ मैं इसको मुख्तसर करता हूँ चूँकि मुझे ऑर्डर आ गया, लेकिन आखिरी पेजेस की बिल्कुल आखिरी पैराग्राफ की जानिब में बढ़ूँगा। शायरी एक राज की सूरत कासिर के हाथ धड़कती है, कुछ इस असहाब ने इसे पैरासाइकोलॉजी से ताबीर किया है, रूहानी वारदात की शक्ल भी दी है, मगर ये राज कुछ ऐसी इनफरादियत के साथ किरतास पर उतरता है कि उर्दू शेरी रवायत को मालामाल कर जाता है। मैं ऐसे शुरा के साथ भी मुकालमे में शरीक रहा जो खुदा को नहीं मानते, और ऐसे भी जो फनाफिल्ला रहे हैं, मगर कासिर साहब के हाँ मामला दिल शायर वाला है। दुनियावी उलूम की लाख प्रैक्टिस कर लें, मगर दिल का दरवाज़ा उसी सूरत में खुलता है जब उसमें दुनियावी हजूम ना हो। ग़ुलाम मोहम्मद कासिर जिन्होंने कहा कि हर अहद ने जिंदा गज़लों के कितने ही जहां आबाद किए, के बारे में कुछ कहना मेरे लिए मुश्किल तो ज़रूर है, मगर यही अर्ज़ है कि एक ऐसा शायर जो उर्दू अदबी मराकज़ से दूर रहा और उसने संगलाख वादियों में करबलाए गज़ल से कहकशाएं गज़ल तक का सफ़र हमें करवाया, ये शायर कम अज़ कम इतना इस्तेहकाक तो रखता है कि मरकज़ी जामियात के सिलेबस में उन्हें शामिल किया जाए, उनके नज़रियात और अफकार को फैज़ो इकबाल की तरह लेबलाइज ना किया जाए, बेचा ना जाए, और बिल्कुल खालिस सतह में नई नस्ल तक पहुँचाया जाए। भला कौन सा ऐसा शायर है जिसने ग़ुलाम मोहम्मद कासिर की तरह जो कहा, नया कहा और अपना कहा। बहुत शुक्रिया।